फ्रेंड्स वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास हमारा चैप्टर शुरू था चैप्टर नंबर फिफ्टीन दैट इज पॉलीमर इसके पहले के लेक्चर में हमने टेफलॉन देन पॉलिस्टर पॉलियोमाइड पॉलियोमाइड पैन इस टाइप नायलॉन सिक्स सिक्स नायलॉन सिक्स ये जो पॉलियोमाइड पोलियोमाइड पॉलीमोट जो एग्जाम्पल्स है वो हमने सब स्टडी किया था ओके इसके अभी हमें स्टडी करना है बुना एस ठीक <coughs> है अभी हमें क्या स्टडी करना है बुनाएस रबर स्टडी करना है देखो बुनाइस रबर के बारे में देखो बुनाइस इज एन इलास्टोमर विच इज अ को पॉलीमर ऑफ स्टाडी विथ ब्यूटा ठीक है बुनाइस क्या है ये इलास्टोमर है मतलब इट शोज अ इलास्टिक प्रॉपर्टी इट गेट्स स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ठीक है बुनाइस ये इलास्टोमर है एंड विच इज अ को पॉलीमर एंड को पॉलीमर इज नथिंग बट वॉट इट्स अ हेट्रोपोलीमर कोपोलीमर को हम क्या बोलते हैं हेट्रो पॉलीमर बोलते हैं ठीक है थीके? तो बुनाइ ये इलास्टोमर है एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ को पॉलीमर दैट इज हेट्रोपोलीमर इसमें दो मोनोमर हम यूज करते हैं एक यूज करते हैं स्टायरिन और दूसरा यूज करते हैं ब्यूटाडाइन ठीक है स्टारिन इज नथिंग बट और स्टारिन जो होता है उसमें आपकी बैनजिन रिंग होती है ठीक है स्टारिन में क्या होता है आपकी बैनजिन रिंग रहती है और बैनजिन रिंग के ऊपर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टाइडिन ओके इसके अलावा हमें क्या आ, हमारे पास और दूसरा कौन सा मोनोमर है डेट इज़ ब्यूटा ठीक है अब ब्यूटाइन जो है इट्स नथिंग बट वन थ्री बूटा उसका स्ट्रक्चर होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ठीक है एंड डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू ओके तो ये है ब्यूटा डाइन वन थ्री ब्यूटा तो ऐसे दो हमें रीजन यूज़ करना होता है एक होता है स्टारिन और दूसरा होता है ब्यूटाडाइन तो आपको स्टारिन का फॉर्मूला समझ में आ गया ठीक है स्टारिन मतलब क्या होता है मैंने अभी बताया आपको स्टारिन इज नथी बट द रिंग उसके ऊपर प्रेजेंट होता है सी एच डबल बॉर्न सी एस टू ग्रुप ओके और दूसरा होता है ब्यूटाडाइन जिसमें सी एस टू वन थ्री ब्यूटाइन का एग्जाम्पल है वो सी एस टू डबल बॉर्ड सी एच सिंगल बॉर्न डबल बॉर्न सी एस टू इट्स अ स्टारिन ये आपका स्टायरिन है ठीक है और यह आपका ब्यूटा डाइन है उसको बोलते हैं वन थ्री ब्यूटा डाइन क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन वन पे है और थर्ड पे, ये फर्स्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो पोजीशन कहाँ पे है डबल बॉन्ड की एक है फर्स्ट कार्बन के ऊपर और एक है आपका थर्ड कार्बन के ऊपर इसलिए वन थ्री चार कार्बन है इसलिए ब्यूटा डाइन ठीक है और ये आपका है सारिंग बेंजिंग रिंग है और बेंजी रिंग के ऊपर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अटैच होता है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम स्टायरिंग ओके तो इन दोनों मोनोमर का यूज़ करके हमें पॉलीमर को बनाना है एंड सो दैट इसमें दो मोनोमर अलग अलग है इसलिए उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर या फिर कोपॉलीमर ओके ना उसका जो ट्रेड नेम है जो हम जनरली कॉमर्शियल स्केल पे उसको यूज़ करते हैं उस, उसका नाम है एस बी आई दैट इज़ अ स्टायरिंग ब्यूटाडाइन रबर ठीक है क्या नाम है इसका एस स्टैंड फॉर स्टाइरिन बी स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन ओके एंड आर स्टैंड फॉर द रबर सो इट इज कॉल्ड एज अ स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर यानी इसके बाद देखो द को पॉल्यूमर इज यूजअली ऑप्टेंड फ्रॉम सेवेंटी फाइव पार्ट ऑफ द ब्यूटाडाइन एंड ट्वेंटी फाइव पार्ट ऑफ द स्टारिन सब्जेक्ट टू एडिशन पॉलीमराइजेशन बाई द एक्शन ऑफ सोडियम इसमें दिया है कि ये जो को पॉल्यूमर है उसमें सेवेंटी फाइव ब्यूटराइन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है थीके? मतलब ये जो हम कोपोलीमर जो बनाते हैं या फिर हमें जो ये कोपोलीमर ऑप्टेंड होता है ये कोपोलीमर कैसे ऑप्टेंड होगा उसमें सेवेंटी फाइव पार्ट्स ऑफ ब्यूटराइन रहते हैं एंड ट्वेंटी फाइव पार्ट्स ऑफ स्टारी मतलब सेवेंटी फाइव ब्यूटरइन के मॉलिक्यूल रहेंगे एंड ट्वेंटी फाइव पार्ट्स रहेंगे स्टारिन के तो ये दोनों मतलब सेवेंटी फाइव ब्यूटर एंड ट्वेंटी फाइव पार्टस टारिन वो अल्टरनेट मानदन में अरेंज रहेंगे एक ब्यूटरन फिर सारे एक ब्यूटरन फिर स्टारिन इस टाइप का उसका अरेंजमेंट रहेगा ठीक है और और वो क्या देंगे हमें एडिशन एक्चुअली उसका अरेंजमेंट अपने आप हो जाता है उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है तो सेवेंटी फाइव पार्ट्स ऑफ ब्यूटरन एंड ट्वेंटी फाइव पार्टस ऑफ टारिन इन दोनों का हम एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे वो भी कैसे बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ठीक है सोडियम के एक्शन से वो हम करेंगे ठीक है सोडियम के एक, सोडियम का उसके पर एक्शन होगा एंड इट इज़ वर्कनाइज विद द रबर हम उसको क्या करेंगे वर्कनाइज़ करेंगे किसके हेल्प से सल्फर के हेल्प से ठीक है मतलब हम उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे दोनों मोनोमर को यूज़ करेंगे यूटेराइन और साइडन को एक साथ मिक्स करेंगे उनका पॉलिम एडिशन पॉलीमराइजेशन है मतलब हम दोनों को सिंपल ऐड करके उसका पॉलीमर बनाएंगे आ, किसके वजह से किसके प्रेजेंट में बाय द एक्शन ऑफ सोडियम सोडियम के एक्शन के वजह से इनका पॉलिनाइजेशन होगा और आ, उसको हम वर्गनाइज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिंग सल्फर सल्फर ऐड करके उसको हम वर्गनाइज भी कर सकते हैं क्योंकि रबर है तो सल्फर के अकॉर्डिंग सल्फर में सल्फर आपने कितने परसेंट में उसने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी इलासिसिटी जो है वो रहेगी उसका स्ट्रांगनेस भी उसके ऊपर डिसाइड होगा जितना कम परसेंट में सल्फर का उतना वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल रहता है और सॉफ्ट भी रहता है और अगर आप परसेंट ऑफ सल्फर बढ़ाते जाते हो तो इट बिकम्स हार्ड एंड बिकम्स लेस इलास्टिक ओके <coughs> तो यहाँ पे देखो <coughs> इस रबर को हम वर्कनाइज कर सकते हैं बाय एडिंग सल्फर और पॉलीमराइजेशन जो होगा उसमें हम ब्यूटेड और साइरिन का सारिन का यूज़ करेंगे उसका हम एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे बाय द एक्शन ऑफ सोडियम सोडियम के प्रेजेंस में और उसको हम वर्ल्कनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सल्फर नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो बूना एस इज़ अ सुपेरियर टू नेचुरल रबर बुना एस जो है वो नेचुरल रबर से भी ज़्यादा सुपेरियर है ठीक है बूनाइस ये सुपेरियर क्यों है नेचुरल रबर से विद रिगार्ड टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हैज़ अब्रशन रेजिस्टेंट ठीक है बूना एज जो है वो सुपेरियर होता है नेचुरल रबर से क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ठीक है हैज़ अ एब्रेशन रेजिस्टेंस वो एब्रेशन को रेजिस्ट कर देता है एंड इट इज़ इट इज़ यूज इन अ टायर इंडस्ट्री उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं टायर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं शूज़ बनाने के लिए भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस वो नेचुरल रबर से भी ज़्यादा सुपेरियर होता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है इसके वजह से उसको हम यूज़ करते हैं टायर इंडस्ट्री में ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट जो है दैट इज द प्रिपरेशन उसका प्रिपरेशन आपको गिवन है यहाँ पे <coughs> इसमें देखो सॉरी आपको एस बी आर मतलब अगर आ, स्टारी बोटा डाइन रबर अगर बनाना है तो उसके लिए हमें वंथी ब्यूटर लेना है सेवेंटी फाइव परसेंट में एक्चुअली वो पार्ट मतलब क्या सेवेंटी फाइव परसेंट में और ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको लेना है स्टारी मैंने आपको अभी बताता है इसके पहले ठीक है अब इसमें क्या होता है कि आपका ब्यूटर इसको हम स्टारियों इस को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आपकी की और उसके साथ आप अटैच दिखा सकते हो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ऐसा भी आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं इंस्टेड ऑफ़ दिस बेंजे रिंग आप डायरेक्टली सी सी एच फाइव भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके okay, अब यहाँ पे एग्जैक्टली exactly क्या होगा आ, यहाँ पे आपका जो ब्रूटरन है अब आप, आपके इसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट तो रहेगा वन थी ब्यूटरियन फिर सारिन फिर वन थी ब्यूटेन फिर सारे इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा तो आपको पता है कि पीछे वाला पीछे अब आप, आपने तो दो दिखाए ज़रूर है पर आपको पता है कि उसमें नंबर ऑफ अल्टरनेट अरेंजमेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और वो भी अल्टरनेट प्रेजेंट है तो पीछे आपको इमेजिन करना कि पीछे भी मॉलिक्यूल है और आगे भी मॉलिक्यूल्स है अब जैसे यहाँ पे वन थे ब्यूटरान है तो यहाँ पे आगे में कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा स्टारिन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे स्टारिन है तो आगे कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा ब्यूटराइन का मतलब सी एच टू डबल बॉन सी एच वाला मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट रहेगा ठीक है थीके? आ, आपको याद रखना है तो मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली सारी तो लिख के दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको याद रखना कि हम इंस्टेड ऑफ़ बेंजीरिंग यहाँ परिंग सी, लिखते हो आप बेंजिंग भी को ड्रा कर सकते हो और आपको अल्टरनेट मॉलिक्यूल रहेंगे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ब्यूटेन का एक मॉलिक्यूल ड्रा करके दिया उसके बाद आपको जो अभी जो प्लॉट मिला है उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि एक आपका वन थ्री बूटरन का मॉलिक्यूल है ठीक है वन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच टू कितने हैं हमारे पास कार्बन हमारे पास कार्बन जो है वो वन टू थ्री फोर एक मॉलिक्यूल हो गया फिर एस बी आर है फिर से बूटे का मॉलिक्यूल है वन टू थ्री फोर एंड देन वन टू ये आपका सारे का मॉलिक्यूल है फिर से वन टू थ्री फोर एक्चुअली कैसे किया कि दो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके ब्यूटेन के लिए हुए एंड वन मॉलिक्यूल आपका सैडिंग का लिया उस अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा तो इसका अरेंजमेंट वैसे ही किया अब देखते हैं आपको मैं एक मॉलिक्यूल और लिख के बताती हूँ बाजू में अगर एक मॉलिकूल का ब्यूटेन का क्योंकि सेवेंटी फाइव परसेंट में यूज़ करना है तो आपको इसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा मतलब दो मॉलिकूल इसके तो एक मॉलिक्यूल इसका रहेगा मतलब सी एच टू ठीक है इन शॉर्ट में हम देखते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपको ड्रॉ के सी एच टू देखो यहाँ पे हम एक और मॉलिकुल हम लिखते हैं ठीक है सी वन सेकेंड सी एच टू डबल बॉन सी एच सिंगल बॉन एक मिनट आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आ, देखते हैं। फिर से एक बार आ, एक मॉलिक्यूल जो है वो हम लिखने वाले कौन सा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच सी एच टू ओके अब देखो यहाँ पे ये यह जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर मैं इसमें नीचे टिल्ट करके लिखती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा अब यहाँ पे जो बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा वो कैसे होगा क्योंकि यहाँ पे आपको सेवेंटी फाइव परसेंट में इथिल थ्री बुटेडन लेना है और ट्वेंटी फाइव परसेंट में आपको सारिन लेना है तो उसके लिए मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्योंकि सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब आपको वन थ्री बुटेड के मॉलिक्यूल ज़्यादा लेना है और इसके मॉलिक्यूल कम लेना ठीक है ठीके? मैंने नीचे लिख लिया यहाँ पे अभी ये मॉलिक्यूल ठीक है मतलब दो मॉलिक्यूल वन थ्री ब्रुटेरन के और एक मॉलिक्यूल आपको स्टारिंग का लेना है ओके अब यहाँ पे देखो <coughs> जब आप इन सबको को ज्वाइन करोगे दो मॉलिक्यूल वन थ्री ब्रुटरन के और एक मॉलिक्यूल स्टारिंग का ठीक है तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, यह बॉन पे शिफ्ट होगा इन दो कार्बन के बीच में यहाँ पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में शिफ्ट होगा ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला बॉन्ड इसके बीच में शिफ्ट होगा ये वाला मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में शुरू होगा जिससे ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और ये वाला अगर ये शिफ्ट हो गया तो आगे वाला डबल बॉन्ड आगे वाले मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के लिए हेल्प करेगा और पीछे से भी एक बॉन्ड आएगा जो इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो ऐसे करके जहाँ पे डबल है वहाँ पे सिंगल होगा जहाँ पे बॉन्ड नहीं है वहाँ पे बॉन्ड बनेगा डबल का सिंगल सिंगल का सॉरी डबल का सिंगल होगा ठीक है और जहाँ पे बॉन्ड नहीं है वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन फॉर्मेश तो देखो आपको मिलेगा क्या पहला सी एच टू फिर डबल का सिंगल हो गया राइट उसके बाद सी एच फिर सिंगल का डबल हो गया फिर सी एच फिर डबल का सिंगल हो गया फिर सी एच टू एक मॉडल को हो गया फिर सेकेंड मॉडल देखो सी एच टू डबल का सिंगल सी एच सिंगल का डबल ठीक है फिर सी एच ठीक है फिर सी एच फिर यहाँ पे डबल का यहाँ पे डबल का सिंगल हो गया देन अगेन ये आपका सी एच टू ये सी सी एच फाइव अब ये सी सी एच फाइव को कहाँ पर अटैच किया ऊपर क्योंकि ये चेन है जो कंटेनजर रिंग के बीच में इंटरप्ट हो जाएगी इसलिए इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया उसके बाद का ये सी एच उसके बाद डबल का सिंगल उसके बाद सी एच टू सी एच टू के बाद फिर से एक मॉलिक्यूल लिया ठीक है मतलब फिर से ब्यूटी नंबर को यहाँ पर लिया होगा सी एच टू डबल बॉन सी एच सिंगल बॉन सी एच डबल वॉन इसमें भी सेम क्या होगा आ, शिफ्टिंग होगा ठीक है मतलब ये वाला बॉन्ड इसके बीच में ये बॉन्ड आगे ये बॉन्ड ये डबल बॉन्ड उसके आगे ऐसे कर करके वहाँ पे एक और मतलब दो ब्यूटिलिन के मॉलिक्यूल यूज़ किए और एक साइन का यूज़ किया अल्टरनेट में तो इस टाइप से आपको ये सबसे मिलता है ठीक है मतलब सिंपल आपको क्या करना है बॉन्ड का शिफ्टिंग करना है ये याद रखना बॉन्ड का शिफ्टिंग करना मतलब क्या कि जहाँ पे डबल है वहाँ पर सिंगल होगा जहाँ पे सिंगल था वहाँ पर डबल होगा जहाँ पे बॉन्ड नहीं था वहाँ पर बॉन्ड रहेगा ऐसे मॉलिकूल आपको आजू बाजू में लिखने हैं डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते जाना बस खत्म डबल बॉन्ड आगे जाएगा तो वो सिंगल का डबल होगा ठीक है जो डबल था वो सिंगल हो जाएगा जो सिंगल था वो डबल हो जाएगा और दोनों बीच दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड भी आ जाएगा और दोनों मॉलिक्यूल ज्वाइन भी हो जाएंगे इस तरीके से, से आपको याद रखना ठीक है <coughs> तो ये हो गया आपका एस बी आई सारी मोटरइन कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे आपको टोटल कितने मॉलिक्यूल ज्वाइन करके दिए ब्यूटर के ये दो ब्यूट के हाँ ये वन मॉलिक्यूल ये टू मॉलिक्यूल ये आपके सारे का मॉलिक्यूल एंड अगेन ये बूटो का मालिक्यूल मतलब थ्री मॉलिक्यूल्स आप ब्यूटर यूज़ किए हैं ठीक है एंड वन मॉलिक्यूल मोलिकूल पे स्टारिंग का यूज़ किया हुआ ठीक है वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टारिंग ऐसे करके उसका कॉम्बिनेशन बना सेवेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके थ्री पार्ट ब्यूटेडाइन एंड वन पार्ट स्टारिंग क्लियर हो गया इस तरीके से आपको सिर्फ शिफ्टिंग करना जब इन मॉलिक्यूल को ज्वाइन करोगे तो डबल का सिंगल सिंगल का डबल और जिनमें बॉन्ड है उनमें बॉन्ड बनेगा और सब मॉलिक्यूल एक साथ जॉइन हो जाएंगे बाकी कुछ नहीं हुआ ठीक है देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जो है इट्स अ बूनाइज हमारा बुनाइस कम्प्लीट हो गया नाउ वी आर गोइंग टू स्ट द न्योप्रिन यूनिट अब न्यूप्रिन में देखो कि न्योप्रिन ये सिंथेटिक रबर है एंड इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फ्लोरोपिन न्योप्रिन क्या है ये एक सिंथेटिक रबर है ठीक है न्योप्रिन क्या है ये एक सिंथेटिक रबर है जिसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं इसको बोलते हैं सिंथेटिक रबर एंड इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फ्लोरोपिन और वो क्या है न्योप्रिन क्या है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका क्लोरोप्रिन का मतलब हम क्लोरोप्रिन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक साथ जॉइन करके जॉइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन बाय रिमूविंग स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड सब मॉलिक्यूल एक साथ ज्वाइन होकर इट्स फॉर्म्स अ बिगर मॉलिक्यूल दैट इज अ नियोप्रिन ठीक है तो नियोप्रिन किससे बन नियोप्रिन क्या है ये सिंथेटिक रबर है जो हम लोग में सिंथेसाइज कर सकते हैं और नियोप्रिन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर से बनता है कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब मतलब जो तो ये जो है न्योपिन के साथ कंडेशन पॉलीमर है क्योंकि वो कंडेंसेशन करके बनता है इसलिए उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर और किसका पॉलीमर है वो क्लोरोपिन मतलब आप क्लोरोप्रिन इस मोनोमर का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करके न्योपिन को फॉर्म करते हैं और इसीलिए न्योपिन को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर और क्लोरोपिन क्या है क्लोरोप्रिन इज नथिंग बट द टू क्लोरो वन थ्री ब्यूटा डाइम वट इज़ क्लोरोप्रीन क्लोरोपिन का नाम क्लोरोपिन का नाम क्या है या फिर उसके स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम क्लोरोपिन को बोलते हैं क्लोरो टू क्लोरो वन थ्री ब्यूटा डाइन ठीक है उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे अब ब्यूटा डाइन है मतलब क्या आएगा ब्यूटा डाइन अगर है तो ब्यूटा डाइन मतलब क्या आएगा सी अब वन थ्री ब्यूटा डाइन है और सेकेंड पे क्लोरिन है यहाँ पे मैंने सेकेंड पे क्लोरिन को अटैच कर दिया वन फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए ये डबल बॉन्ड हो गया ठीक है अब ये कार्बन की तीन वैलेंसी ये दो बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन तीन हो गए मतलब यहाँ पे हमें सी एच टू लेना पड़ेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी यहाँ पर क्लोरिन अटैच है सेकेंड पोजिशन पर फिर थर्ड पर भी आपका डबल बॉन्ड है इसलिए थर्ड पर मैंने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं हम हाइड्रोजन लिखने के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है थीके? देन यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ड्रॉ किया थर्ड कार्बन पे एंड देन उसके बाद और थर्ड कार्बन के बाद बूटे बूटा है मतलब चार कार्बन रहेंगे दो डबल है तो डबल बॉन हो गया और एक लास्ट कार्बन रहेगा और वो रहेगा आपका सी एच टू ओके अब ये वाले कार्बन के बारे में से देखो ये दो बॉन ये तीसरा और ये चौथा मतलब यहाँ पे सिर्फ सी रहेगा यहाँ पे ये तीन ही हो गए ये एक ये दो और ये तीन मतलब यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा तो ये आपका रहेगा वन टू क्लोरो वन थ्री ब्यूटा डाइन ओके तो इसको बोलते हैं क्लोरोपिन इसका एक और नाम क्या है इसको हम क्लोरोपिन भी बोल सकते हैं या फिर वंथ्री ब्यूटाडाइन भी बोल सकते हैं क्लोरोप्रिन या फिर वंथ्री ब्यूटाडाइन बना द सेम थिंग थी। ठीक है और आपको सक्सर भी समझ में आ गया इट्स अ क्लोरोपिन और वंथ्री ब्यूटा डाइन तो इसका हम क्या करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वी गेट अ अओप्रिन जिसको हम बोलेंगे कंडेंस पॉलीमर ओके अब यहाँ पे देखिए कि क्लोरोप्रिन पॉलीमराइज रैपिडली क्लोरोप्रिन uh, जो है वो पॉलीमराइज होता है रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में uh, बहुत फास्टली बहुत रैपिडली क्या होता है पॉलीमराइज होता है मतलब नंबर ऑफ क्लोरोप्रिन के मॉलिक्यूल फटाफट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज्वाइन हो जाते हैं ठीक है आ, और हमें क्या देते हैं न्योप्रिन पॉलीमर देते हैं एंड वल्कनाइजेशन ऑफ न्योप्रिन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मैगनी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अगर हम न्योप्रिन का बल्कनाइजेशन करना चाहते हैं क्योंकि न्योप्रिन भी एक सिंथेटिक रबर है उस हमें वल्कनाइज करना है उसके उसकी प्रॉपर्टी को आपको मॉडिफाइड करना है बाय डूइंग द वल्कनाइजेशन तो वो टेक प्लेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज एम जी टू इसके प्रेजेंस में क्या होता है न्यूप्रिन का बल्कनाइजेशन होता है एंड द रिएक्शन वॉल्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फिगर और जो रिएक्शन आपको दी है वो आपको फिगर में रिप्रेजेंट किया जो कहाँ पे दिए फाइव फिफ्टीन पॉइंट सिक्स में ओके तो हम रिएक्शन उसकी देख लेते हैं उसका रिएक्शन देखो क्या आएगा वर्थनाशन दिया है उसके बिफोर दैट आपको रिएक्शन दिए तो रिएक्शन क्या है वन सेकेंड देखो यहाँ पे आपको न्यूप्रिन का रिएक्शन दिया हुआ है तो न्यूप्रिन में क्या होता है <coughs> कि क्लोरोप्रिन है दैट इज़ वन थ्री ब्यूटाडाइन ठीक है ये क्या आपका वन थ्री सॉरी टू क्लोरो वन थ्री वन टू थ्री एंड फोर तो वन टू क्लोरो वन थ्री बिल्टर क्लोरो पर इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसके नंबरों में एक साथ जॉइन हो जाएंगे तो आपको पता है कि मैंने अगर दो मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है यहाँ पर तो ये आपका सी एच टू डबल बॉन्ड सी उसके ऊपर अटैच आपका सी एल सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड देखो यहाँ पर ये आपका सी एच डबल बॉन्ड सी एच एक मॉलिकल हो गया फिर दूसरा जॉन करते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एल सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ओके यहाँ पे क्या होगा जब आपको अब मैंने यहाँ पे दो ही मॉडल तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलकुल रहेंगे तो पूरी नंबर ऑफ मॉलिकल आप आजू बाजू में अरेंज कर दोगे तो पीछे वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा ठीक है मैंने क्या कहा कि पीछे से पीछे भी आपको कंसिडर करना है मैंने दो तो लिखे बट आपको कंसिडर करना है कि दो इस आपको नंबर ऑफ मोल्क एक साथ अरेंज किए हमने पीछे वाले मोलिक बॉन्ड का इनको ज्वाइन करने के लिए आ जाएगा फिर ये वाला बॉन्ड अपने आप आगे शिफ्ट होगा अगर ये शिफ्ट हो गया तो ये सिंगल था और डबल हो जाएगा जो डबल है वो सिंगल हो जाएगा जहाँ पे बॉन्ड नहीं है वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा ये यहाँ पे शिफ्ट होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड सिंगल को डबल बना देगा फिर ये डबल फिर से सिंगल बन जाएगा और ये आगे के मॉलिक को ज्वाइन करने के लिए आपको मदद करेगा इस तरीके से हमारी क्लब के ज्वाइन होंगे तो वी गेट अ वॉट वी गेट वी गेट अ सी एच टू वी गेट सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी सी एल अगेंट सी एगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू डबल सी एच टू सी सी एल सी एच सी एच टू अगेन सी एच टू देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी सी एल डबल बॉन्ड सी एच एंड सिंगल बॉन्ड सी एच टू अब यहाँ पे देखो कौन सा यूनिट आपको अगेन एंड अगेन रिपीट होते हुए दिखता है आप इसमें से कोई भी यूनिट लो तो आपको वो अगेन एंड अगेन, अगेन रिपीट होते हुए दिखेगा तो ये जो यूनिट है सी एच टू सी सी एल और यहाँ पे डबल बॉन्ड देना भूल गई यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा ठीक है तो ये जो शिफ्टिंग हुआ है तो ये वाला जो यूनिट है कौन सा सी एच टू बॉन्ड सी एल सी डबल बॉन्ड सी एच एंड बॉन्ड सी एसट एक पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है वो क्या है उसका रिपीटेडिंग यूनिट है मतलब ये यूनिट आपको फिर से रिपीट करके जैसे सी एस टू सी सी एल डबल बॉन्ड सी एस सी एस ट आगे भी जाओगे तो ये एक अलग यूनिट हो गया ऐसे नंबर ऑफ यूनिट उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे ठीक है तो ये एक यूनिट हो गया और ऐसे नंबर ऑफ यूनिट उसमें रिपीट रिपीट होते जाएंगे इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे आधा बॉन्ड अंदर शो करेंगे आधा बॉन्ड बाहर शो मतलब ये चेंज इस साइड से भी कंटिन्यू होगी इस साइड से दोनों साइड से कंटिन्यू होगी और इसमें नंबर ऑफ इस यूनिट रिपीटिंग यूनिट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे इट्स फॉर्म्स अ इम्पॉर्टेंट कंपन दैट इज नियोप्रिन जो क्या है सिंथेटिक रबर है ओके okay? अब आपको ये भी पता कि है कि उसका बलगनाइजेशन होता है किसके प्रेजेंस में जब हम इस अब आप, आपने ये जो चेन बनाई है यहाँ पे ऊपर जो है ऊपर यहाँ पे देखो ये नियोप्रिन कैसे लिखा है सिर्फ रिपीटिंग यूनिट लिखा है और बाइन करके लिखा है लेकिन उसी के नीचे एक्जैक्टली exactly, आपको दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके पूरी चेन दी हुई है यहाँ पे सीलाटाच है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ये यहाँ से यहाँ तक पहला मॉलिक्यूल और यहाँ से यहाँ तक दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया है ठीक है और वो एम जी ओ के प्रेज उसको रिएक्ट किया है और जब एम जी ओ के प्रेज वो रिएक्ट होगा तो वहाँ पर कंडेंसेशन सॉरी यहाँ पे क्या होगा वर्कनाइ होगा वहाँ पे क्या होगा सल्फर के बीच में बॉन्ड सल्फर से उसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ठीक है वर्कनाइशन के प्रोसेस में देखो जो यहाँ पे क्या हुआ जब उसका वर्कनाइेशन हुआ तो एम जी सी एल के साथ एम जी एम जी सी एल के साथ क्या होगा मतलब मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम जो है वो एम जी के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एम जी सी एल और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के थ्रू इस कार्बन के साथ जॉइन हो जाएगा इट फॉर्म्स अ सी ओ सी बंड यहाँ पर भी सी ओ सी बॉन्ड तो इट्स कॉलर्स ऑफ वल्कनाइजेशन ठीक है तो वल्कनाइजेशन में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक नंबर ऑफ चेन जो है uh, किसकी न्यूप्रिन की वो एक साथ जॉइन हो जाएगी ठीक है तो ये हो गया आपका वल्कनाइजेशन आल्सो एज वेज रिएक्शन देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट विस्कस रेन एक्चुअली विस्कस रेन क्या है विस्कस रेन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर विच इज जनरेटेड सेलुलोज ठीक है विस्कस रेन जो है वो सेमी सिंथेटिक फाइबर है ठीक है विस्कस रेन क्या है इट्स अ सेमी सिंथेटिक फाइबर विस्कस रेन जो है वो एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है विच जनरेट सेलुलोज वो क्या जनरेट करता है सेलुलोज को जनरेट करता है ठीक है एंड सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ उड पल विस्कस रेन इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीफाइबर्स मतलब वो भी सेमी सिंथेटिक है मतलब आधा नेचुरल होता है और कुछ केमिकल्स का एक्शन करके उसको उसको सेमी सिंथेटिक बना देते हैं मतलब उसको हम रिजनरेट भी कर सकते ठीक है विच इज़ रीजनरेट सेल्यूलोज वो क्या है रिजनरेट किया हुआ सेल्युलज है विस्कस रेन एंड सेल्युलज इन द फॉर्म ऑफ उड पल ठीक है सेल्यूज जो होता है इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प इस ट्रांसफॉर्म इनटू द विस् मतलब सेलू जो होता है वुड पल्प के फॉर्म में उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें विस्कॉस रेन में ठीक है मतलब जो सेल्युल्ज प्रेजेंट रहेगा ठीक है प्लांट्स में तो, तो क्योंकि हमें नेचुरल रबर ट्री से वो मिलता है ना नेचुरल रबर फिर उसको हम उसके ऊपर हम कोई पर्टिकुलर केमिकल्स के एक्शन करते हैं तो उसको सेमिसटिक बना देते ठीक है उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड कर देते तो जो जो उस प्लांट में जो सेलोस होता है इन द फॉर्म ऑफ वुड पल उसको हम ट्रांसफॉर्म करते किस में विस्कस जीवन में ट्रांसफर करते हैं सेलुलर्स जो है वो एक लीनियर पॉलीमर है किसका लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज यूनिट का एंड हैज अ मॉरिकुलर फॉर्मला सी सिक्स एच टेन ओ फाइव ठीक है सेल्युलस क्या है इट्स अ लीनियर पॉलीमर किसका लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का ग्लूकोज यूनिट का लीनियर पॉलीमर द तो नंबर ऑफ ग्लूकोज की मॉलिकोल हम एक साथ जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा वहाँ पे बनेगा आपका सेलुलोज क्लियर हो गया किस किसका पॉलीमर है वो इट्स अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज देखिए किसका पॉलीमर है वो इट्स अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज वो ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है एंड हैज़ अ मोलिकुलर फॉर्मूला सीसिस एच टेन ओ फाइव उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है सी सिस एच टेन ओ फाइव है ओके उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट अ मॉडिफाइड सेलुलोज सेल ओइच इज यूज इन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द विस्कस फॉर्मेशन वहाँ पर दिया है कि मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन जो है सेलुलर्स के लिए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोरिकुलर फार्मूला सेलुलर्स का मारिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन सा सिम्बॉल दिया है सेल ओएज ठीक है वॉट इज सेल ओएज सेल ओज जो है इट्स अ मोरिकुलर फार्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेल्युलर सेलुलस को रिप्रेजेंट करने के लिए मोरिकुलर फार्मूला दिया है आपको दैट इज सेल ओएज ओके क्लियर हो गया क्या दिया आपको वहाँ पे सेल ओज -OH दिया हुआ देन उसके बाद um, ये सेल ओएज जो है तो अब हम यूज़ करते हैं इन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन, इन द विस्कस फॉर्मेशन विस्कस फॉर्मेशन में हम ये सेल सेल ओएज जो है वो यूज़ करते हैं जो हमें फिगर नंबर फिफ्टीन पॉइंट सेवन में दिया हुआ है सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प पर्क इस अब एग्जैक्टली हम कैसे करते हैं ये सब ठीक है यहाँ पर बोला कि मॉडिफाइड फार्मूला जो है मतलब मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉल फार्मूलाज दैट इज सेल ओएज इज़ यूज इन द इन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द विस्कस फॉर्मेशन ठीक है विस्कस यांग के फॉर्मेशन के टाइम में हम सेल ओएच ये यूज़ करते हैं इट्स अ मॉडिकुल मॉडिफाइड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडिकर फॉर्मूल ऑफ सेलुलोज मतलब इन मुझे ये बोलना है कि सेलुलोज के लिए हम सेल ओएच ये लेते हैं ठीक है उसके बाद सेलुलोज जो होता है सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी के सोल्यूशन के साथ उसको हम ट्रीट करते हैं एंड सोल्यूशन गेट फुल फ्लपी अल्कली सेलुलोज ठीक है full, तो जब हम सेलुलोज को मतलब जो हमें उड पल्प से मिलता है उसको हम जब कॉन्सनट्रेनर्ज के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें फ्लपी अलकली सेलुलोज मिला क्या मिलता है फ्लपी से अलकली सेलोज हमें क्या मिलेगा फ्लपी अलकली सेलोज मिलेगा एंड इट इज एन कन्वर्ट इन टू इट इज़ देन कन्वर्ट टू जैनथरेट वो फिर कन्वर्ट होगा किसमें इसमें में कन्वर्ट हो जाएगा बाई ट्रीटिंग विथ कार्बन बाई ट्रीटिंग विथ कार्बन सॉरी बाय ट्रीटिंग विथ वॉट बाय ट्रीटिंग विद द कार्बन डाई सल्फाइड ठीक है मतलब ये जो सेल्यूज़ है मतलब जो हमें उर्व से मिलता है उसको हम क्या करते हैं ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेट एनर्ज के सोल्यूशन के साथ तो हमें फ्लपी अल्कली सेल्यूज मिलता है उसके बाद ये फ्लपीज अल्कली सेल्यूज जो है वो कन्वर्ट करता है कन्वर्ट करता है झनतानेट को बाई ट्रीटमेंट विथ कार्बन डाई सल्फाइड कार्बन डाइ सल्फाइड के साथ उसकी ट्रीटमेंट करके उसको कन्वर्ट कर देता है ठीक है एंड मिक्सिंग विथ डायलूट एनर्जी जब हम उसको मिक्स कर साथ के साथ इट विस्क का विस्कस सोल्यूशन देखिए जब हम उसको डायरेक्ट एनर्ज के साथ मिस कर देते हैं तो इट विस्क का सोल्यूशन एंड विच इज एक्सट्रूटेड थ्रू अ स्पिनट उसको हम एक्सट्रूट करते थ्रू द स्पिनट्स उसको हम क्या करते हैं एक्सट्रूट करते हैं इतना क्लियर हो गया तो एक बार वो लुक करते फिर सेल्यूस क्या थोड़ा सा हार्ड है बट आई होप को समझ में आ जाएगा सेल्यूस जो है विस्कस रेन जो है वो एक सेमी सिंथेटिक पावर है मतलब सेमी मतलब आधा सिंथेटिक है आधा नेचुरल है ठीक है मतलब नेचुरल नेचुरल रबर के वो कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स की एक्शन करके उसको बना जाता है ठीक है एंड इज इज़ द जनरेटेड वो क्या है जनरेटेड सेल्युलज है अब सेल्यूज जो होता है वो होता है वुल पे इन द फॉर्म ऑफ वुल पम्प वो ट्रांसफर होता है इन टू विस्कसा मतलब प्लांट्स में ट्रांसफर होता है एंड मतलब सेल्यूज जो होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है किसका ग्लूकोज यूनिट का एंड एज अ मॉलिकुलर फॉर्मूला सीसीज एच टेन ओ फाइव बाई एन एंड मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन मोलिकुलर फार्मूला जो है सीरीज का उसको बोलते हैं सेल ओइ मॉडिफाइड मोलिकुलर सॉरी मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोिकुलर फार्मूला ऑफ सीरीज द सेल ओ इज़ यूज इन द रिएक्शन वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं रिएक्शन में यूज़ करते हैं ठीक है देन उसके बाद इज़ यूज इन द रिएक्शन इन्वॉल्व द विस्ट जिस रिएक्शन में विस्कस का फॉर्मेशन होता है उसमें हम ये यूज़ कर सकते ठीक है तो यहाँ पे दिया है कि सेल ओ एच जो है ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म है उसको हम यूज़ करते हैं रिएक्शन विस्कस फॉर्मेशन जो हमने विस्कस फॉर्मेशन किया हुआ है उसकी रिएक्शन में इसका यूज़ होता है ठीक है एच ऑन द फिगर फिफ्टीन पॉइंट सेवन सेल्यूज इन द फॉर्म ऑफ वुड उल्प सेलोज होता है वो वुड पल्प में होता है इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प होता है वो उसको हम ट्रीट करते हैं विथ सॉरी विथ विथ कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी ठीक है वी तो, 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 तो सेल्यूज है वो वुड पल्प से हम ट्रीट करते हैं उसको हम कॉन्सेंट एनर्जी सोल्यूशन के साथ तो रिएक्ट करते हैं ठीक है गेट एंड वी गेट क्लड फ्लपी अलकली सेलूज वो हमें क्या मिलेगा फ्लपी सॉरी फ्लपी अल्कली सेलूज मिलेगा इट इज़ देन कन्वर्टेड इंटू झांत फिर उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करते हैं झांतनेट में ठीक है बाय ट्रीटिंग विद कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करेंगे हम उसको कार्बन डाई के साथ सीरीज के साथ ट्रीट करके हम उसको uh, किस तरह कर देंगे um, एन एच फ्ल्पी वी केट वी केट कन्वर्ट इनटू अ अलकली सलूज़ हमें क्या मिलेगा अलकली सेलूज मिलेगा ठीक है सिलोज को हम लेंगे उड पल्प के मतलब से उल उड पल्प लेंगे सेलूस लेंगे उसमें कौन सा एन डालेंगे तो हमें मिलेगा फ्लपी अलकली सलूस एन एस कन्वर्ट इन टू झांत फिर उसके बाद वो जो हमें मिलेगा फ्लपी अलकली सलोज उसको हम क्या करेंगे झांत नट करेंगे बाय ट्रीटिंग विद कार्बन डाई सब उसको हम कार्बन डाय सब के साथ ट्रीट करके या फिर अलकली के साथ ट्रीट करके उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं झांतनट में एंड ऑन मिक्सिंग विद डायल एनेवल्स जब हम मिक्स करेंगे डायल्ड एनेवल्स जब हम क्या करेंगे मिक्स कर करें. अगर हम डायलिट इनर्ज को मिक्स करते हैं विस्कस ठीक है विस्कस सोल्यूशन में तो विच इज एक्सट्रूटेड थ्रू द स्पिनट वो एक्सट्रूट हो जाएगा ठीक है मतलब वो वायल्ट एनेजा या फिर उसमें को, उसका कोई भी इफेक्ट होगा नहीं ठीक है तो ये इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द विस्न ठीक है ऑन मिक्सिंग में डाउट होने विक्यूजर विस्क सोल्यूशन विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फिर उसको हम क्या करते हैं एक्सक्ट करते हैं फ्रॉम द पिनरस से ओके ये हो गया आपका पॉलीमाइट के बारे में वहाँ पे बोला कि आप यू रिकॉक का सोएशन दिया है तो आपको सोएशन देखना आपको, आपको इजीली आ जाएगा द पॉलिंग पॉलीमर एडिशन पॉलीमर कने से पॉलीमर पी बी सी ए पॉलीमाट पॉलिसाइडो के ये आपको आइडेंटिफाई करना है ठीक है अनकम्पलीट ऑफ पॉलिटेबल कंसिडरेशन ऑफ द पॉलीमर रिपीटिंग यूनिट क्या एनालिसिस का एनालिसिस का ठीक है ये सभी के आपको मोनोमर यूज़ करना है। तो ये आप लोग ट्राई करो आपको आ जाएगा उसके बाद है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अब बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल पॉली में बहुत सारे क्वेश्चन दिए कि नेम्स अफ मटेरियल विच अंडरकोड डिग्रेडेशन आफ्टर यूज आपको पता ही है कि जैसे फूड स्टफ होता है जो हम लाइक हम जब खाना बनाते तो उस जो भी वेजिटेबल्स का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर हमारे खाने का कुछ प्रोडक्ट अगर बचा हुआ है तो जनरली वो क्या मटेरियल्स क्या होते हैं डिग्रेडेड होते हैं उनका डिग्रेडेशन होता है ठीक है फॉल्स मतलब वो करता है प्लीज द मटेरियल विच डू नॉट डिके इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसे कौन से मटेरियल है जो जिसका डिसइंटिग्रेशन नहीं होता ठीक है मतलब वो उसका ब्रेकिंग डाउन नहीं होता है ठीक है बहुत टाइम के बाद भी डिसेंटिग्रेट नहीं होती जैसे कौन सा मटेरियल ऐसे जिसका लीज द मटेरियल विच नॉट इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम वो डॉन नहीं होती जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा पॉलिथीन लिख लो अपने पास ठीक है तो यहाँ पे पहला कौन था कि नेम द मटेरियल विच अंडरको द डिग्रेडेशन आफ्टर यूज यूज़ करने के बाद वो डिग्रेडेशन में जाते हैं ऐसे कौन सा मटेरियल है जिसका हम डिग्रेडेशन करते हैं तो वो यूज़ होने के बाद वो डिग्रेडेशन होते मतलब जिसका ब्रेकिंग डाउन होता है जो डिकम्पोज हो सकते हैं जैसे कौन सा जैसे फूड स्टफ़ है ठीक है कौन सा जैसे फूड स्टफ फूड मटेरियल फूड स्टफ ठीक है फूड स्टफ एफ डब्लू डी फूड स्टफ़ या फिर फूड मटेरियल्स लिख सकते हो ठीक है उसके बाद लिज द मटेरियल विच डू नॉट डिके आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसे कौन से मटेरियल जो लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो डिसट नहीं होते उसका डिसेंट्रेशन दैट इज प्लास्टिक ठीक है देन वॉट इज द इन्वायमेंट हाउ इज द इन्वायरमेंट अफेक्ट बाय द नॉन डिकेइंग सब्सटेंस ठीक है इन्वायरमेंट क्यों अफेक्ट होता है लॉन्ग नॉन डिकेइंग क्योंकि नॉन डिकेइंग सब्सटेंस जो है दैट्स दैट दैट सेटल इन द सॉरी आप ये भी बोल सकते हो कि हाउ इज़ इन्नवायरमेंट अफेक्ट बाय द नॉन डिंग सब्सटेंस नॉन डिकेइंग सब्सटेंस की वजह से इन्वायरमेंट uh, कैसे है? क्योंकि जो नॉन डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं वो तो ब्रेक डाउन होते नहीं है उसका ब्रेकिंग नहीं होता वो डिकम्पोज नहीं होते ठीक है इसकी वजह से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जैसे है वैसे वो हमारे हमारे इन्वायरमेंट में हमारे साथ प्रेजेंट रहते हैं ठीक है थीके? तो तो यहाँ पे इसलिए पूछा कि हाउ इज़ द इन्वामेंटल इन्वायरमेंट अफेक्टेड बाय द नॉन डिकेइंग सब्सटेंस और uh, डिसेंटिग्रेशन अगर नहीं हुआ तो वो सबसे जैसे कि वैसे तो उस कुछ दिनों के बाद वो हार्म भी कॉज कर सकता है लेकिन अगर वो डिसेंटिग्रेट हो गया उसका यूज़ हो गया तो वो uh, दूसरे हमें नया यूज़ करना पड़ता है ठीक है तो इस तरीके से उसके बाद विच बॉन्ड आर ब्रोकन ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बर्ड कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड कार्बोहाइड्रेट का ठीक है विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बर हम देखते हैं उसमें एक्जैक्टली क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ना है ठीक है ये वाला का आपको आंसर बाद में मिल जाएगा ठीक है व्हाट हैपन टू सॉरी कहाँ पे देखते एक मिनट वन सेकेंड व्हाट है टू डिस्पोज नैचुरल वेस्ट ऐसा स्टील फूड फ्लू टॉन कॉटन क्लॉथ ये सब डिस्पोज करते टाइम क्या होता है ये जो नेचुरल वेस्ट मटेरियल जो है स्टील फूड है फ्रूट है पिल्स है टोन कॉटन क्लोथ्स है इसको जब हम डिस्पोज करते हैं तो क्या आ, क्या होता है तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे ठीक है तो देखो इंस्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ यूजफुल एप्लीकेशन इंस्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ यूजफुल अपलिकेशन पॉलीमर्स आर ब्लेम फॉर क्रिएटिंग अ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ठीक है यहाँ पर ये यह दिया कि इंस्पाइट ऑफ लार्ज एंड ऑफ यूजफुल अप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स आर ब्लेम फॉर क्रिएटिंग अ इन्वायॉर्मेंटल इन्वायमेंटल पॉल्यूशन एक्चुअली हम स्टार्ट करें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर ये पॉइंट कि लार्ज नंबर ऑफ़ यूजफुल अपलिकेशन होते हैं पॉलीमर के एंड आर ब्लेम फॉर क्रिएटिंग इन्वास ऑफ देखिए वैसे तो हमारा बहुत सारी पॉलीमर्स हम बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं बट हम ब्लेम करते हैं फॉर क्रिएटिंग ठीक है बट वो वेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करता है टू स्ट्राइक द गोल्डन मीन सर्टेन न्यू बायोडिग्रेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स है अभी कुछ नए सिंथेटिक बायोडिग्रेबल पॉलीमर जो है वो डेवलप हुए हैं जो ईजीली डाइजेस्ट भी होते हैं जिसका ब्रेकिंग डाउन होता है एलिफेटिक पॉलिसटर एंड पोलियमाइड जो होते हैं विद अ लार्ज प्रोपोर्शन विथ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पोलर लिंकेज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेड पॉलीमर ठीक है एलिफेटिक पॉलिस्टर है या फिर एलिफेटिक तो आपको पता है सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड से अटैच होते हैं इससे पॉलिस्टर ऐसे पॉलिस्टर पॉलिमाइड विथ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पोलर लिंकेज उसमें लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पोलर लिंकेज का आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेड वो क्या है एक इंपॉर्टेंट क्लास है किसका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एंड सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें डिस्कस करना है ठीक है अब कौन, सा, कौन सा से कौन से एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ठीक है जैसे पी एच बी वी है नायलॉन टू एंड अलाउंस जिससे हमें ऐसे एग्जाम्पल को डिस्कस करना है नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो डिस्पोजल ऑफ सच ए नेचुरल वेस्ट अगर हम ऐसे नेचुरल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं यूजली अटैक बाय दिस सॉयल माइक्रोव उसके ऊपर सॉइल माइक्रोव अटैक करते हैं कि डिग्रेडेड टू ह्यूमस उसको डिग्रेड करके उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं बट मॉयसिंथेटिक पॉलिमर प्लास्टिक कैनॉट बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोप जो नॉन जो सिंथेटिक होते हैं मोस्ट सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो माइक्रोब्स ऑब्स की हेल्प से मतलब माइक्रोब्स की हेल्प से उसका डिग्रेडेशन नहीं होता उसका ब्रेकिंग डाउन नहीं होता और वो स्टे रहते हैं इन इवायरमेंट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड लॉन्ग पीरियड तक वो इन्वायरमेंट में जैसे कि वैसे रहते हैं ठीक है ऑफ टाइम पोजिंग पोल्यूशन प्रॉब्लम ये वहाँ पर दिया है कि माइक्रो स्टे इन इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर और प्लास्टिक जो है बी डिग्रेडेड बात है माइक्रोव डिग्रेड नहीं होती माइक्रोव से इनवायरमेंट फॉर वेरी लॉन्ग पीडियर ऑफ टाइम पॉसिंग टाइम पोजिंग द पोल्यूशन प्रॉब्लम उसके वजह से पोल्यूशन का प्रॉब्लम जो है कुछ दिनों के बाद आ सकता है वो भी लॉन्ग टाइम तक रह सकता है ठीक है देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम बाई पॉलीमर्स आर बींग डेवलप ये प्रॉब्लम जो है था वो डेवलप हुआ है दिस पॉलीमर्स कंटेंट फंक्शन रूप सिमिलर टू दोज बाय पॉलीमर्स और ये पॉलीमर जो है वो फोप uh, जो कंटेन करता है वो सिमिलर होता है पॉलीमर से सचैस प्रोटीन uh, जैसे प्रोटीन एग्जाम्पल दिया कि एलिफेटिक पॉलिस्टर आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायो डिग्रेडेबल पॉलिमर ये जो एलिफेटिक पॉलिस्टर होता है जिसमें काबा काबा सिंगल बॉन्ड होता है उसको ठीक है द एलिफेटिक पॉलिस्टर जो होता है आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेड पॉलीमर तो ये भी क्या है बायोडिग्रेडल पॉलीमर का इम्पॉर्टेंट क्लास है ठीक है